अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे LIC की यूलिप प्लान की, जो कि प्लान है 2 मार्च 2020 से लॉन्च हुआ है। प्लान का नाम है SIIP और टेबल नंबर है 852। तो दोस्तों इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और ये प्लान क्यों बेहतर है पिछली आई हुई सभी यूनिट लिंक प्लान से, यानी यूलिप पॉलिसी से। तो चलिए जान लेते हैं इस प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी आती है दोस्तों इसको लेने के लिए। तो बेसिकली यूलिप प्लान जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक रूप होता है, यानी कि इसमें आपका जो रिस्क कवर है वो भी कवर रहेगा लाइफ इंश्योरेंस के रूप में, और इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो दोस्तों जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा इंश्योरेंस के लिए जाता है और बाकी ज्यादा अमाउंट का हिस्सा वो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट इसमें चार तरीके से होती है, डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड जो ऑप्शन होते हैं। ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप स्विच कर सकते हैं साल में 4 बार अपने पॉलिसी के अंदर। यानी अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन हो रही है तो उसको सिक्योर फंड में डाल सकते हैं, और अगर मार्केट अप हो रही है तो उसको दूसरे प्लान में स्विच कर सकते हैं। ये आपको साल में 4 बार मौका मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन इस प्लान को खरीद सकता है। जो मिनिमम एज एंट्री है वो 90 डेज की है दोस्तों, यानी 90 दिन के बच्चे के लिए भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 65 साल की उम्र तक का कोई भी शख्स इस प्लान को खरीद सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म होता है 10 साल का, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है इसमें 25 ईयर का, यानी 10 से लेकर के 25 के बीच में कोई भी टर्म आप लोग चुन सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 18 साल से, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 85 साल। अब बात करेंगे इसमें सम एश्योर्ड किस तरीके से मिलेगा, यानी मिनिमम सम एश्योर्ड ये प्रीमियम ही कैलकुलेट करेगी। तो जो मिनिमम आप दे सकते हैं मंथली वो है 4000 पर मंथ, और जो मैक्सिमम और ईयरली में बात करेंगे तो 40,000 रुपए, और हाफ ईयरली में बात करेंगे 22,000 रुपए। तो दोस्तों ये है मिनिमम। अब बात करेंगे रिस्क कवर की। जो रिस्क कवर, यानी अगर आपने 90 दिन के बच्चे के लिए प्लान खरीदा है तो 2 साल के बाद ही उस बच्चे का रिस्क कवर शुरू होता है, ठीक है दोस्तों, और 8 साल कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे का रिस्क कवर होता है। इसको इस तरीके से सीख लेते हैं या समझ लेते हैं कि मान लीजिए 6 साल का बच्चे के लिए आपने पॉलिसी लिया और वो 8 साल पे 2 साल कंप्लीट करता है तो उसका रिस्क कवर 8 साल से शुरू होगा। 5 साल का कोई बच्चा है उसको रिस्क कवर 2 साल से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर 8 साल का बच्चा कंप्लीटेड है तो उसको एट ए टाइम उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। तो ये चीज है इसमें। अब प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो आप कर सकते हैं मंथली मोड में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रीमियम पे करने के लिए। अभी जो पॉलिसी है वो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और ऑफलाइन भी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। तो पॉलिसी आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, LIC ने दोनों ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। अब बात करेंगे बेसिक सम एश्योर्ड किस तरीके से कैलकुलेट होगा। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि 4000 रुपए मिनिमम इसकी प्रीमियम है, यानी 4000 रुपए अगर आप लोग प्रीमियम देते हैं तो 48,000 रुपए साल का होता है, यानी साल का ही कैलकुलेशन लगा करके आपको सम एश्योर्ड दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है तो आपको 10 गुना रिस्क कवर दिया जाएगा सालाना प्रीमियम का। अगर आपकी 55 साल से उम्र ज्यादा है तो आपको 7 गुना रिस्क कवर दिया जाएगा आपकी सालाना प्रीमियम पर। तो ये है आपका सम एश्योर्ड। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सम एश्योर्ड। अगर 55 से नीचे है 10 गुना और 55 से ऊपर आपकी एज है तो 7 गुना। अब बात करेंगे दोस्तों एडमिनिस्टर जो चार्जेस लगते हैं, एडमिन चार्जेस वो बिल्कुल निल है इस पॉलिसी में, जो कि पीछे काफी हाई चार्ज लिए गए थे। इसकी वजह से ही इन्वेस्टमेंट आपकी यूलिप प्लान में कम हुई थी, कम रिटर्न मिला था। तो इस बार LIC ने
जो एडमिन चार्ज हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। अब बात करेंगे गारंटीड एडिशन की, यानी गारंटीड एडिशन जो है वो देगी LIC इस प्लान में। अगर पॉलिसी आपकी 6 साल चली है तो 5% गारंटी एडिशन मिलेगा, 10 साल चली है तो 10%, 15 साल चली है 15%, 20 साल चली है 20%, और अगर आपने 25 साल पूरी चला दी है तो 25% आपको गारंटी एडिशन भी देगी LIC। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो दोस्तों, बेसिक सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू, ये दो ऑप्शन होते हैं। जो भी इसमें आपको ज्यादा मिलता है वही आपको डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा आपके नॉमिनी को। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा, फंड वैल्यू प्लस आपको रिफंड ऑफ टोटल जो आपने आज तक जितने भी टर्म आपने चलाया है उसकी जो प्रीमियम आपने दी थी अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो आपको रिटर्न मिलेगी दोस्तों। यानी ये एक तरीके से आपका प्लस पॉइंट है, यानी फंड वैल्यू तो जो होगी होगी, साथ में जो इंश्योरेंस का पैसा आप पिछले एक से लेकर के जो भी आपने टर्म दिया है उसमें दिया है तो वो भी साथ में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर LIC ने इस बार लॉन्च किया है। चार्जेस एकदम निल हैं, तो यानी आपका जो फंड है वो काफी ग्रो करेगा और आपकी मैच्योरिटी काफी अच्छी होगी अगर मार्केट अप रहती है। अब बात करेंगे प्रीमियम की, यानी ये जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो 80C में आपको इसमें छूट मिलेगी। डेथ बेनिफिट में ही आपको 1010D टैक्स फ्री होगा, लेकिन अगर आपकी मैच्योरिटी होती है तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। LIC जो लिंक्ड है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी देती है। स्विचिंग फंड का ऑप्शन है आपका साल में 4 बार। तो दोस्तों, ये काफी बेहतर प्लान हो सकता है LIC का मार्केट के हिसाब से। और SIP, दोस्तों SIP और LIC की SIIP ये जो नया प्लान लॉन्च हुआ है, हो सकता है इसमें टक्कर हो जाए। और कौन सा अच्छा प्लान आपके लिए रहेगा, SIP बेहतर है या LIC की SIIP, उसके लिए भी एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जवाब आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।